एनसीआर की लाइफलाइन NH-24 के चौड़ीकरण में एक बार फिर से तेजी आने की उम्मीद जगी है। प्रदेश में नई सरकार आने से नोएडा, गाजियाबाद समेत आसपास के क्षेत्रों में शुरू की गई केंद्र सरकार की योजनाओं में तेजी आएगी, जिनमें से एक है NH-24 का विस्तार भी। ऐसे में न सिर्फ लोगों को राजमार्ग पर लगने वाले रोज रोज के भयंकर ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगी, बल्कि राजमार्ग के आसपास कई नई आवासीय योजनाओं का भी विस्तार होगा। और इसके साथ ही नोएडा, गाजियाबाद, राजनगर एक्सटेंशन समेत दिल्ली आने जाने का मार्ग भी सुगम होगा। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं में तेजी, रफ्तार पकड़ेगा NH-24 का विस्तार, नई आवासीय योजनाओं को लगेंगे पंख, सुधरेगी कनेक्टिविटी, जनता को नई सरकार से ढेर उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में सरकार बदल चुकी है और केंद्र में और प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय दल BJP की सरकार है। ऐसे में केंद्र सरकार की योजनाएं और प्रदेश सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन न सिर्फ बेहतर तरीके से होगा, बल्कि केंद्र सरकार की प्रदेश में पहले से संचालित कई योजनाओं में तेजी भी आएगी। ऐसे ही सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है NH-24 का चौड़ीकरण। जब केंद्र में और राज्य में एक ही सरकार होगी तो निश्चित रूप से राज्य में भी उसी स्पिरिट से सरकारें काम करेंगी जो दिशा निर्देश उनको केंद्र से मिलेंगे, क्योंकि उसमें कोई पॉलिसीज में फर्क आने की संभावना नहीं है। ब्याज की दरें हैं होम लोन पे निरंतर धीरे धीरे कम हो रही है, बैंकों ने कम करनी शुरू कर दी है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने एक ये भी कहा है कि हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से वो लगभग 20,000 करोड़ का ऋण होम बायर्स को देंगे, तो इससे भी कहीं ना कहीं बाजार को मदद मिलेगी और जो एक मंदी का दौर हमको देखने को मिल रहा था रियल एस्टेट में, उसमें कहीं ना कहीं उभार निश्चित रूप से आएगा। तो घर खरीदना सपने के सच होने जैसा होता है, लेकिन एक घर खरीदने में जीवन भर की मेहनत की गाढ़ी कमाई लग जाती है और घर भी जरूरत के हिसाब से मिलना बेहद मुश्किलों भरा होता है। लेकिन सरकार ने लोगों को सस्ता घर मुहैया कराने के लिए हाउसिंग सेक्टर में बिल्डअप एरिया की बजाय कारपेट एरिया को प्रमुखता दिए जाने का बजट में प्रावधान किया और साथ ही मेट्रो सिटीज में 30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया और बाकी शहरों में 60 वर्ग मीटर कारपेट एरिया को अफोर्डेबल हाउसिंग की कैटेगरी में लाया गया। सरकार के इस प्रयास से लोगों को सस्ता घर मिलना आसान हो जाएगा और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ के प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार में बेहतर तालमेल भी होगा। इसे केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू हो पाएंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना को 23,000 करोड़ रुपए, NHB का टारगेट बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय आवास बैंक सस्ते घर के लिए कर्ज देगा, कार्पेट एरिया में अब दीवार और बालकनी शामिल नहीं होंगे, आवासीय योजनाओं को पूरा करने के लिए समय सीमा 5 साल की गई, सस्ते घर का सपना सच होगा। दरअसल 4 मेट्रो सिटी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सस्ते घरों की आवासीय योजना की सीमा 30 और 60 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र की जगह अब 30 और 60 वर्ग मीटर कारपेट एरिया होगा। इससे 644 वर्ग फीट कारपेट एरिया में बने फ्लैट सस्ती दरों पर मिलेंगे और बिल्डर्स के 900 वर्ग फीट वाले फ्लैट भी अफोर्डेबल हाउसिंग की श्रेणी में आएंगे। डेवलपर्स को 3 साल के भीतर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को तैयार करना होता था, अब ये समय सीमा बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। Thanks to the surplus liquidity created by demonetization, the banks have already started reducing their lending rates, including those for housing. जो affordable housing है, जो सरकार एक देखती है कि 2022 तक सबको घर मिल जाने चाहिए, उसकी तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए सरकार ने इसका दायरा बढ़ाया है। जो 30 स्क्वायर मीटर या 60 स्क्वायर मीटर तक के घर थे पहले, वो बिल्ट अप एरिया से कैलकुलेट हम लोग किया करते थे, अब उसको कारपेट एरिया कर दिया गया है, जिससे निश्चित रूप से घर का आकार जो है वो बढ़ेगा और ज़्यादा प्रोजेक्ट इस अफोर्डेबल उसमें आएंगे। हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक से 20,000 करोड़ का लोन जो है वो घर के खरीदारों को दिया जाएगा, जिससे निश्चित रूप से घर खरीदने वालों को एक सुविधा मिलेगी। और वैसे भी अगर आप देखें तो जो ब्याज दरें हैं वो निरंतर बैंकों द्वारा कम की जा रही है, जो आगे आने वाले समय में ऐसी अपेक्षा है कि और कम किया जाएगा।